नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निर्वाण। आप देख रहे हैं चैनल टेक्नोवाला इन्फो। इस वीडियो में थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं रोपोसो क्लाउड के बारे में, जो इंडिया का अभी मेरे हिसाब से नंबर वन पे है ड्रॉप शिपिंग कंपनी की जो न्यू मॉडल है। इसके बेसिस में पहले ग्लोरोड भी था, लेकिन ग्लोरोड का भी जो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है दोनों मैं आपके साथ शेयर करूँगा नेक्स्ट और एक वीडियो में। पहले मुझे ये वीडियो को थोड़ा सा करने के लिए मुझे चाहिए कि जो अभी रिसेंटली चल रहे हैं, मतलब अभी चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा पहले मैं आपको डिटेल में बोल दूं, क्योंकि आप ड्रॉप शिपिंग को अभी स्टार्ट कर सकते हैं रोपोसो क्लाउड के थ्रू। उसके बाद मैं ग्लोरोड के बारे में भी एक आपको डिटेल्स वीडियो बनाऊँगा, दोनों की जो कंपैरिजन है उसके बारे में आप डिटेल्स भी जानेंगे। उसके बाद जहाँ पे आप जाना चाहते हैं वो आप जा सकते हैं। तो चलिए इसका ड्रॉप शिपिंग मॉडल जो है थोड़ा सा समझ लेते पहले रोपोसो क्लाउड का। जैसे यहाँ पे आप एक इमेज देख पा रहे हैं, यहाँ पे द ड्रॉप शिपिंग मॉडल, ड्रॉप शिप मॉडल जो है यहाँ पे देखिए आपका कस्टमर है, उसके बाद आपका है स्टोर और आपका है सप्लायर। तो मैं यहाँ से क्या कर दूँगा, क्या क्या आपके लिए रहेगा, यहाँ पे आपके लिए बस रहेगा आपका स्टोर रहेगा और यहाँ पे सप्लायर जो है वो यहाँ पे मैं क्रॉस हो जाएगा। आपका कस्टमर तो चाहिए नहीं, तो आपका प्रोडक्ट कौन बाय करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नंबर वन में यहाँ पे हो गया आपका कस्टमर, नंबर टू में हो गया आपका स्टोर, ठीक है। कस्टमर तो आपका आ ही जाएगा और मेन है यहाँ पे आपका स्टोर रेडी। अब मैंने चलिए आपका स्टोर रेडी हो गया, उसके बाद आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। इसका जो बेसिक वीडियो है ना फ्रेंड्स, इसका बेसिक वीडियो मैं पहले एक वीडियो में बना चुका हूँ, तो आई बटन में मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा। पहले बेसिक मॉडल जो है ना वो 5 मिनट का एक वीडियोस होगा, और वो थोड़ा देख लीजिए। वो देखने के बाद ना आपको एक बेसिक मतलब नॉलेज मिल जाएगा कैसे रोपोसो क्लाउड के थ्रू आप आके जा सकते हैं। तो इस वीडियो में तो मैं पहले जो वीडियो में बना चुका हूँ इसका डिटेल वीडियो डिटेल्स डिस्कस यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ, तो यहाँ से मैं मेन मेन जो पार्ट है ना वो यहाँ पे थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूँगा अभी। तो पहले यहाँ पे आपका स्टोर, यहाँ पे आपका कस्टमर हो गया, तो बाकी जो यहाँ पे सप्लायर रहेगा उसकी जगह आपका आ जाएगा यहाँ पे रोपोसो क्लाउड जो है, रोपोसो क्लाउड ऐप आ जाएगा, जो आपका पूरा जो शिपिंग पार्टनर प्रोडक्ट एंड शिपिंग सब कुछ यहाँ पे देखेगा। चलिए मैं रोपोसो क्लाउड के ऐप में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मान के चलिए रोपोसो क्लाउड है, पहले आपके साथ बात कर लेता हूँ रोपोसो क्लाउड आप कैसे इसको यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे आपका शॉपिफाई डैशबोर्ड में आ जाएंगे, यहाँ पे आपका ऐप का सेक्शन आ जाएगा। ऐप के सेक्शन में जाने के बाद ऐप एंड सेल चैनल की यहाँ पे जाएंगे आप। उसके बाद यहाँ पे शॉपिफाई ऐप स्टोर में आएंगे, तो यहाँ पे बस आपको लिखना है कि रोपोसो क्लाउड। यहाँ पे ये जो इंटरफेस है ना ये न्यूली अपडेट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बस आपको लिखना है रोपोसो क्लाउड बोल के, रोपोसो क्लाउड बोलने से साथ साथ यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ओपन ऐप आ रहा है, लेकिन मेरा ऐप जो है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए यहाँ पे ओपन ऐप आ रहा है। तो ठीक है, तो आपको ये रोपोसो ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपका यहाँ पे फ़ोन नंबर दे के यहाँ पे साइनअप करना है। तो इसका जो रोपोसो क्लाउड का मेन जो पार्ट है ना, उसके साथ और एक ऐप जुड़ा हुआ है जो है शॉप 101 ऐप, उसके साथ ये रोपोसो क्लाउड इंटीग्रेटेड है। रोपोसो क्लाउड में आपका कितना पेमेंट और कितना प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो रहा है सब कुछ वहाँ पे आपको जल्दी से जल्दी अपडेट मिल जाएगा शॉप ऑन। तो उसका भी एक थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा थोड़ी देर बाद में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, पहले रोपोसो क्लाउड के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं रोपोसो क्लाउड का डैशबोर्ड में आ चुका हूँ, मैं ओपन ऐप कर लेता हूँ यहाँ से। ऑटोमेटिकली मेरा ऐप जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐप जो है ना लिंक ऑलरेडी हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे ये है रोपोसो क्लाउड का बेसिक डैशबोर्ड, ठीक है। यहाँ पे मैनेज ऑर्डर में जाता हूँ, मैं आपको शो करता हूँ कितना ऑर्डर मैं यहाँ से डिलीवर कर चुका हूँ, ठीक है। इन ट्रांजिट में और अभी भी एक्चुअली मेरा स्टोर अभी नहीं चल रहा है, अभी मैं स्टॉप करके रखा हूँ, दूसरा काम में अभी थोड़ा सा बिजी हूँ इसलिए इसको स्टॉप करके रखा हूँ, ठीक है। ऑल ऑर्डर में मैं आपको शो करता हूँ कितना ऑर्डर मैं यहाँ से शिपमेंट कर चुका हूँ। देखिए यहाँ पे मैं 500 कर देता हूँ, तो ना यहाँ पे पूरा ऑर्डर आ गया। देखिए यहाँ पे कितना सारा ऑर्डर मैं रोपोसो क्लाउड से डिलीवर कर चुका हूँ, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट है ना जो यहाँ पे सॉरी पोर्टेबल मिनी चॉपर, उसका भी एक डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसको भी कैसे सेल करना है आपको रोपोसो क्लाउड के थ्रू, उसका भी डिटेल वीडियो मैं बना दिया हूँ ऑलरेडी, और भी डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपका नेक्स्ट वीडियो भी चाहिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। अगर मेरा नॉलेज आपको काम पे आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं तो नहीं करिए, और अच्छा लगा तो एक लाइक भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे चॉपर हो गया और भी बहुत सारा प्रोडक्ट है, यहाँ पे लाइट वगैरह मैंने थोड़ा कुछ टेस्टिंग किया था, और भी यहाँ पे थोड़ा बहुत ये स्टेटनर वगैरह सेल, ये जो प्रोडक्ट है ना अलग अलग जो प्रोडक्ट है इसको अगर भी फेसबुक में कैंपेनिंग कैसे बनाना है और कितना आप सेल करना चाहते हैं उसके बारे में डिटेल वीडियो भी मैं आपको यहाँ पे बना दूंगा। तो चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं क्लोज में और कितना क्लोज में, देखिए जो डिलीवर्ड हुआ है वो यहाँ पे क्लोज सेक्शन में शो हो रहा है, डिलीवर्ड हो चुका है रोपोसो क्लाउड के थ्रू, और उसका कमीशन भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे कि मान के चलिए ये जो प्रोडक्ट है 844 रुपीज़ में हमने सेल किया, और यहाँ पे मेरा मार्जिन बना 328, और यहाँ पे एक कूपन भी लगा हुआ है जो आपको इंटीग्रेशन के टाइम
जब आपने रोबोसो क्लाउड का जो ऐप है इसके अंदर आप अकाउंट सेक्शन में जाके आप यहाँ पे जब साइन अप करेंगे उसके बाद ही आपको एक कॉल आ जाएगा रोबोसो क्लाउड का टीम के थ्रू विद इन 24 आवर्स के अंदर कॉल बैक आ जाएगा। तब जाके ना आपको यहाँ पे वो लोग एक कूपन कोड अप्लाई करके देंगे जो Shop101 के साथ कनेक्टेड रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए एक वाटर बोतल हमने सेल किया हूँ 599 रुपीज़ करके, मेरा मार्जिन बना है 202 रुपीज़। तो इस जो प्रोडक्ट है ना उसका भी डिटेल वीडियो आपको चाहिए, अगर फेसबुक में आप ऐड बनाना चाहते हैं इस प्रोडक्ट के लिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं आपको डिटेल वीडियो बना दूंगा। लेकिन आपको कमेंट करना होगा तब जाके मैं आपको डिटेल वीडियो बना दूंगा, वीडियो वगैरह जो कुछ होता है इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ मैं रेडी करके दूंगा। तो यहाँ पे तो आप मैं आपको दिखाई दिया ना कैसे एक्चुअली ये काम कर रहे हैं, कितने ऑर्डर यहाँ पे मैंने आपको लाइव शो करके दिया। फिर भी मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। देखिए ऑल ऑर्डर में जाता हूँ, ये जो ऑर्डर है उसके अंदर कितना डिलीवर्ड हुआ, मैं क्लोज सेक्शन में जाता हूँ डिलीवर्ड और कैंसिल कितना हुआ। बहुत सारा ऑर्डर को RTO को कैसे मैनेजमेंट करना है उसके बारे में मैं आपको डिटेल वीडियो बना दूंगा, आपको कमेंट करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा RTO को कैसे काम करे 20-25% के अंदर कैसे RTO को लेके आए। तो बात करते हैं इसका जो है ना रिटर्न के बारे में। इसका जो रिटर्न होगा जो देखिए यहाँ पे 2 प्रोडक्ट रिटर्न हुआ है, रिटर्न के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देना है, कोई भी चार्जेस नहीं पे करना है। और उसके बाद आता है RTO की बात, जहाँ पे देखिए ग्लो रोड में क्या होता है चार्जेस वगैरह जो होता है ना वो बहुत हाई रहता है। तो ग्लो रोड का जो चार्जेस वगैरह उसके लिए भी डिटेल वीडियो आपको मिलेगा। पहले इस वीडियो में बात करते हैं RTO के बारे में, अभी रोबोसो क्लाउड का जो RTO होता है। देखिए यहाँ पे जो RTO परसेंटेज है ना वो और कोई ऐप में आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि देखिए आपने यहाँ पे मान के चले 100 ऑर्डर आपने डिलीवर्ड किया है तो उसके हिसाब से आपको 50% डिलीवर्ड होना चाहिए। अगर आपका 100 ऑर्डर से अगर आपको 50% ऑर्डर डिलीवर्ड हो गए तो आपको कोई भी RTO चार्जेस नहीं देना है। जैसे भी मान के चले मैं यहाँ पे थोड़ा सा RTO के बारे में बात कर लेते हैं, RTO इंटेलिजेंट। यहाँ पे देखिए RTO FAQ में जाने के बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा हाउ इज RTO पेनालिटी कैलकुलेटेड। वहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए फॉर एनी अकाउंट वेयर NTG% तो यहाँ पे इज बिलो 50% ₹40 विल बी चार्जेड ऑन ऑल RTO ऑर्डर NTG इज डिलीवर्ड प्लस RTO प्लस रिटर्न फॉर पेनालिटी कैलकुलेशन। ठीक है, वी विल बी टेकिंग ऑर्डर व्हिच आर RTO डिलीवर्ड रिटर्न ड्यूरिंग द पर्टिकुलर वीक। जैसे मान के चलिए इस महीने में आपने 100 ऑर्डर डिलीवर्ड किया है, 100 ऑर्डर आपने रोबोसो क्लाउड के थ्रू आपने शिपमेंट के लिए डाला, 50% आपका डिलीवर्ड हुआ है, बाकी 50% डिलीवर्ड नहीं हुआ है। तो बाकी जो 50% आपका डिलीवर्ड नहीं हुआ है इसके लिए कोई भी आपको चार्जेस नहीं देना है। लेकिन अगर आपको 50% से ज़्यादा हुआ है, जैसे मान के चलिए 60% हुआ है, 70% हुआ है, तो 50% के बाद जो 10% या 20% मतलब 70% के अंदर आप तो 50% का तो RTO नहीं लगेगा, बाकी जो 20% होगा हर एक ऑर्डर के लिए आपको ऑनली 40 रुपीज़ देना है। जहाँ पे और भी बहुत सारा कंपनी है वहाँ पे आपको 100 रुपीज़ के ऊपर आपको चार्जेस लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका एडवांटेज क्या है, आपको ऑनली 40 रुपीज़ चार्जेस देना है। ठीक है, ये है इस ऐप का जो मेन मतलब फ़ायदा होगा आपको यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ, यहाँ पे ऑर्डर तो आपको देखा ही दिया, मैं मैनेज प्रोडक्ट में जाता हूँ तो यहाँ पे कौन कौन सा प्रोडक्ट मैंने अभी सेल के लिए डाला हुआ हूँ। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ एडेड है। तो यहाँ पे सोर्स प्रोडक्ट में अगर आप जाएंगे, आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट जो आपने अभी फेसबुक में आपने ट्राई किया है सेल के लिए, जो आपको अच्छा खासा सेल आने वाला है या फिर टेस्टेड है, तो उसका प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे देखे और यहाँ पे कैटेगरी कौन सा, जो भी फुटवेयर हो यहाँ पे, ब्यूटी फैशन ज्वेलरी और किड्स, जो भी आपको कैटेगरी का प्रोडक्ट चाहिए वहाँ पे आप डाल के इमेज भी डाल सकते हैं अगर, या फिर फ्लिपकार्ट अमेजोन से भी आप URL लेके यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है ना, आपका यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्लाउड प्राइस मतलब ये आप रोबोसो से कितना प्राइस में आप लेना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो डेली ऑर्डर आपको कितना रहेगा ये वाला आप दे सकते हैं यहाँ पे, देखिए सबमिट रिक्वेस्ट में डालिए। ठीक है, तो उसके बाद ना आपको रोबोसो क्लाउड का जो टीम है ना वो आपको कॉल कर देगा विद इन 12 आवर्स के अंदर, हाँ ऑफिशियल टाइम में। तो उसके साथ आप डिस्कस करके कितने ऑर्डर आप दे सकते हैं, जितने ऑर्डर आप ज़्यादा दे सकते हो उसके हिसाब से आपको प्राइस आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं होम बटन में आ जाता हूँ, होम बटन में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे मेन जो डैशबोर्ड है यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। जैसे कि मान के चले ये आपको जैसे कि आपको हो गए यहाँ पे एक गैजेट देख लेता हूँ। ठीक है, ये वाला गैजेट मैं देख लेता हूँ, इसका प्राइस कितना आ रहा है। ठीक है, 446 रुपीज़ का आ रहा है और यहाँ पे इन्वेंटरी कितना है 31, मतलब ये जो सेलर है उनके पास 31 पीसेस है। लेकिन ऐसा नहीं, अगर आपने ये प्रोडक्ट को टेस्टिंग करके सेल करना स्टार्ट कर दिया तो आपको ये जल्दी से जल्दी ये आपके रिस्टॉक भी हो गया। तो ये जैसे पुश टू शॉपी पे देखिए यहाँ पे जो रोबोसो क्लाउड का जो मेन फीचर्स है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे 524 रुपीज़ आ रहा है आपका क्लाउड प्राइस, मतलब ये आपको रोबोसो क्लाउड को पे करना है। पे मतलब क्या है, आपको पहले तो कुछ भी पे नहीं करना है, एक भी पैसा पे नहीं करना है, बस आपको फेसबुक का जो मार्केटिंग है इसमें आपको फोकस करना है, बस फेसबुक मार्केटिंग में वहाँ पे आप स्पेंड करिए जितना, आप दिन में 2000-5000 आप स्पेंड कर सकते हैं, बाकी सब ये कर लेगा।
तो जैसे कि मान के चले यहाँ पे योर सेलिंग प्राइस, जैसे कि क्लाउन प्राइस आ रहा है 424 रुपीज़, आपने क्लाउन प्राइस दे दिया, आपका सेलिंग प्राइस दे दिया मान के चलिए 666, आपका मार्जिन कितना बन रहा है यहाँ पे 142 रुपीज़। अगर जब आपने ये साइनअप कर लेंगे आप, ये रोबोसो क्लाउन का टीम आपको कॉल करके ये कूपन कोड को आपको यहाँ पे ऐड कर देगा, तो जाके क्या हुआ यहाँ पे बेस्ट क्लाउन प्राइस हो रहा है 446, लेकिन आपका मेन काउंट होगा 424 रुपीज़, लेकिन आपका जो ऑर्डर डिलीवर्ड होगा आपका ये कमीशन आएगा, ये ऑटोमेटिकली आपका डिस्काउंट में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लाउन 15 बोल के एक यहाँ पे कूपन कोड लगा हुआ है। तो अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप दोबारा बोले, इसके बारे में और भी डिटेल आपको बात करेंगे कैलकुलेशन करके, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा एक्चुअली यहाँ पे मतलब क्रिटिकल तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी है अगर आपने ये मॉडल को समझ लिया। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका पास यहाँ पे आपका स्टोर हो गया, और आपका कस्टमर तो आएगा कहाँ से, फेसबुक से आएगा, फर्स्ट टाइम तो आपको कस्टमर ऐसे नहीं आएगा, तो सप्लायर की जगह आपका यहाँ पे आ गया रोबोसो क्लाउन। तो वो लोग क्या करेगा, जब आपको कस्टमर ऑर्डर करेगा तो रोबोसो क्लाउन के यहाँ पे शो करेगा, तो आपको यहाँ पे शिपमेंट के लिए डालना होगा, शिपमेंट के लिए डालने के बाद ये ऑटोमेटिकली शिपमेंट के लिए जाएगा, कस्टमर ये रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद आपका जो कमीशन बनेगा विद इन 7 डेज मतलब प्रोडक्ट जब डिलीवर्ड होगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि देखिए आपका प्रोडक्ट जब डिलीवर्ड हो जाएगा कस्टमर के साथ, मान के चलिए एक प्रोडक्ट आज यहाँ पे डिलीवर्ड हुआ, 2 डे डिलीवर्ड हुआ है, तो इसका 7 डेज का एक रिटर्न पॉलिसी रहेगा। 7 डेज के बाद, 7 डेज के अंदर कस्टमर इसको अगर कोई इसका खराब हुआ है कुछ भी हुआ है वो रिटर्न कर सकते हैं। 7 डेज के बाद के आपका रिटर्न पॉलिसी चला जाएगा, तो 7 डेज के बाद आपको पेमेंट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, आपका -101 शॉप 101 में आपको मिल जाएगा। तो उसका भी थोड़ा सा मैं स्क्रीनशॉट में आपको शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं आपको शेयर करता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या शो होता है, यहाँ पे देखिए ये है शॉप 101 का, यहाँ पे देखिए जो प्रोडक्ट हमने सेल किया वो डिलीवर्ड हुआ है, कितना तारीख को डिलीवर्ड हुआ है, 23 दिसंबर को डिलीवर्ड हुआ है, यानी कि लास्ट मंथ का, ठीक है। और भी मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे शो करता हूँ आपके साथ, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारा प्रोडक्ट हमने यहाँ पे सेल किया, जैसे यहाँ पे 360 डबल रिंग क्राउटिंग कार परफ्यूम है, वो भी हमने सेल किया है, तो इसका नीचे शो नहीं हो रहा है एक्चुअली, ये ऐप से मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपका यहाँ पे शो करवा रहा हूँ। तो चलिए पेमेंट कैसे आता है उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए पेमेंट जो होता है ना 20 दिसंबर यहाँ पे जो पेमेंट आ रहा है, पेमेंट आया है, तो उसके बाद 23 दिसंबर को आया है, ये 7 डेज का साइकिल के हिसाब से आ रहा है। तो 6 जनवरी को जो एक प्रोडक्ट हमने सेल किया 122 रुपीज़, तो हम देख लेते थोड़ा सा कौन सा प्रोडक्ट का ये कमीशन आया 122 रुपीज़ का। तो चलिए मैं थोड़ा देख लेता हूँ 122 रुपीज़ से कौन सा प्रोडक्ट हमने डिलीवर्ड किया हूँ जिसका कमीशन हमको मिला है यहाँ पे 122 रुपीज़, थोड़ा सा यहाँ पे शो कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है अभी, प्रोडक्ट है थोड़ा सा यहाँ पे डिलीवर्ड में शो करवा लेता हूँ 122 रुपीज़ का, कौन सा प्रोडक्ट शो हो रहा है यहाँ पे, कोई भी एक प्रोडक्ट जो होगा 122 रुपीज़ ऐसा कुछ होगा जो इसका यहाँ पे आया है, लेकिन मैं यहाँ पे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। 6 जनवरी को यहाँ पे मेरे अकाउंट में आया है, तो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे तो पेमेंट आता रहेगा, मेरे यहाँ पे बैंक अकाउंट वगैरह लगा हुआ है, मेरा नाम पे यहाँ पे अकाउंट है, तो ठीक है। तो अगर आपको चाहिए कि नहीं आप यहाँ से आप कर सकते, जैसे कि यहाँ पे आपका तो प्रॉब्लम है ही नहीं कुछ, आपका यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे आपका खर्चा यहाँ पे बच जाता है, क्योंकि है ना शिपिंग का जो 50% आपको देना है ना, क्योंकि अगर आप ठीक से आप प्रोडक्ट को डिलीवर्ड करें 50% आरटीओ तो होगा ही नहीं, 30% ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, तो भी आप प्रॉफिट में जा सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिक जो बात है ना, यहाँ पे आपको पेमेंट की बात है, जो आपका मनी मैनेजमेंट होता है ना, मान के चलिए आपके पास 10,000 है, बस इसको आप ना ओनली आपको फेसबुक में लगाना है, बाकी कहाँ पे आपको देना ही नहीं होता है, तो उसके ना आप अच्छा खासा स्केलिंग कर सकते हैं फेसबुक ऐड में, ऑर्डर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वो लोग बाकी सब कर लेगा, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। तो मॉडल मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया रोबोसो क्लाउन का, ठीक है। तो उसके हिसाब से तो आप यहाँ पे समझ ही गए ना कैसे मॉडल काम कर रहे हैं। तो बाकी जो है ना नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एक ग्लोरूट का भी एक वीडियो बना दूंगा, कैसे ग्लोरूट के थ्रू भी आप ये कर सकते हैं, तो दोनों का कंपेरिजन में भी मैंने आपको एक वीडियो बनाऊंगा, वो भी आप देख के आप डिसीजन लेके आप जा सकते हैं। तो बाकी आपके ऊपर है कैसे आपको काम करना है ड्रॉप शिपिंग मॉडल, ये मॉडल में। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।